हेलो एवरीवन, दिस इज दिनानाथ प्रसाद फ्रॉम यूएससी पाकी एंड वेलकम बैक। नाउ टुडे विल बी डिस्कस अबाउट ए ब्यूटीफुल स्टोरी। तो चलिए, तो आज हम लोग जैक बोर्ड का क्लास टेंथ इंग्लिश टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड पढ़ेंगे। इस कहानी का लेखक है जी एल फ्यून्स। वे एक मैगजीन राइटर हैं, साथ ही एक पोएट और एक जर्नलिस्ट भी हैं। इन्हीं के द्वारा लिखा गया एक छोटी सी कहानी है ए लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र। ये जो स्टोरी है वो थोड़ी सी इरोनिकल है, यानी विडम्बना वाली कहानी है। ये काफ़ी फनी और काफ़ी अपोजिट भी सुनने में लगेगा। उसके बाद कहता है बिफोर यू रीड, इस कहानी को पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे इस कहानी का मकसद क्या है। ठीक है, कहता है दे सेफ हेथ इन मूव माउंटेन्स। कहता है कि लोग कहते हैं कि विश्वास यानी दृढ़ निश्चय एक ऐसी चीज़ है जो बड़े से बड़े चट्टानों को भी अपने रास्ते से हटा सकता है या बड़े से बड़े समस्याओं का भी समाधान कर सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, तो फिर क्या हमें अपने आप पर विश्वास या भरोसा रखनी चाहिए? यस, दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज। तो इसी प्रकार की प्रश्न को यह कहानी कुशलतापूर्वक प्रस्तुत करती है। ओके, लेंचु इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड आस्किंग फॉर 100 पैसोज। लेंचु एक गरीब किसान है जो भगवान के पास एक पत्र लिखता है जब उसका सारा फसल हेलस्टोन यानी बर्फबारी और तेज तूफान के कारण बर्बाद हो जाता है। तो वह काफ़ी उदास हो जाता है और वह सोचता है कि हमारे फैमिली को इस वर्ष भूखा ही रहना पड़ेगा और उसका कोई मदद करने वाला नहीं है। लेकिन लेंचो का भगवान पर पूरा पूरी विश्वास है कि भगवान उनकी मदद ज़रूर करेंगे। इसीलिए लेंचो 100 पैसोज मांगने के लिए भगवान के पास एक पत्र लिखता है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, अब प्रश्न उठता है कि क्या लेंचो का पत्र भगवान के पास पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे पैसा भेजते हैं? यहाँ पर पैसोज का जिक्र किया गया है। ये पैसोज लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का करेंसी है, यानी मुद्रा है, जैसे मैक्सिको, अर्जेंटीना, स्पेन, ब्राज़ील, इस क्षेत्र का जो कंट्रियां हैं वहाँ पर इस प्रकार की करेंसी चलती है। थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ टू द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। कहता है कि आप इस कहानी को प्रारंभ करने से पहले आपके अनुसार इन सभी प्रश्नों का उत्तर क्या हो सकते हैं या क्या होनी चाहिए और अनुमान लगाइए कि कहानी किस प्रकार शुरू होगी। तो चलिए, अब हम लोग इस कहानी को डीपली लाइन बाय लाइन समझते हैं। कहता है द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। यहाँ पर लेंचो के घर के बारे में जिक्र किया जा रहा है कि लेंचो का घर कैसा है, कहाँ है। तो यहाँ पर लेंचो का जो घर है वो संपूर्ण घाटी में, यानी पूरे के पूरे घाटी में मात्र एक ही घर है, वो है लेंचो का घर। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ लो हिल, जो छोटी सी पहाड़ी के क्रिस्ट यानी सबसे ऊंची चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कूड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स। इस ऊंचाई से नदी, तैयार मक्के का फसल का खेत जो फूल से लगे हुए डॉटेड यानी प्रतीत हो रहे थे, दिखाई देते थे। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो कि हमेशा अच्छी फसल होने की उम्मीद थी। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए सोअर। यहाँ पर दो वर्ड यूज किए गए हैं, पहला है डाउनपोर, डाउनपोर का मतलब होता है मूसलाधार वर्षा, और दूसरा है सोअर, इसका मतलब होता है हल्की फुल्की बारिश। तो यहाँ कहता है कि
उसकी खेतों को मूसलाधार वर्षा या हल्की फुल्की बारिश की आवश्यकता है ताकि उसकी फसल अच्छी हो सके, क्योंकि यह किसान पूरी तरह से मानसून पर ही डिपेंड है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंजो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग इल्स बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, कहता है कि लेंचो अपने खेतों से इंटीमेटली का मतलब होता है भली भांति परिचित है। वह सुबह से केवल नॉर्थ ईस्ट मतलब होता है उत्तर पूर्व की ओर देखने के अलावा और कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वहां पर उत्तर पूर्व दिशा से ही वर्षा आती है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओवेन। यहां पर ओवेन का जिक्र जो है लेंचो की पत्नी के लिए किया गया है। लेंचो अपनी पत्नी से कहता है कि अब हम लोग वास्तव में कुछ जल प्राप्त करेंगे, जरूर वर्षा होगी। द ओमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सफर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, उसकी पत्नी जो रात्रि का भोजन बना रही थी उसने जवाब दी, कही हाँ यदि ईश्वर ने चाहा तो जरूर वर्षा होगी। द ओल्डर वाइज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, जो उनके बड़े लड़के थे, युवा लड़के थे, वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वन वीअर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे जो थे, लड़के जो थे, वो घर के आसपास ही खेल रहे थे। अनटिल द ओमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर, जब तक कि वो औरत सभी को डिनर पर बुलाना ले, रात्रि भोज के लिए बुलाना ले। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, लेंचो ने जो प्रेडिक्ट यानी भविष्यवाणी जो की थी वो भविष्यवाणी सत्य हो गया और भोजन करने यानी खाना खाने के दौरान ही वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना प्रारंभ हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ द क्लाउड्स कूड बी सीन अप्रोचिंग, उसने देखा कि उत्तर पूर्व दिशा में विशाल बादल छाए हुए हैं। The air was fresh and sweet, और भींगी हुई मिट्टी की सुगंध की तरह हवाएं मधुर और ताजी आ रही हैं। The men went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, कहता है कि लेंचो केवल वर्षा की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए ही बाहर जाता है और वह बहुत खुश होता है। And when he returned, he exclaimed, और जब वह घर में वापस आता है तो कहता है These aren't raindrops falling from sky, they are new coins, और कहता है ये आसमान से गिरती वर्षा की बूंदें नहीं हैं, ये तो नए सिक्के हैं, ये तो सोने के सिक्के गिर रहे हैं। The big drops are 10 cent pieces and The little ones are fives, और वह तुलना करता है कि बड़े बूंदे 10 सेंट के सिक्के के समान हैं और छोटी बूंदे 5 सेंट के सिक्के के समान हैं, क्योंकि इन्हीं बूंदों के कारण उनकी फसल अच्छी होने वाली है और उसी फसल को बेचकर उन्हें बहुत सारे धन पैसे मिलने वाले हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. फिर कहता है लेंचो संतुष्ट रूप से अपने पकी फसलों के खेतों को देखा जो फूल फल से लदे हुए थे और curtain of rain. Curtain of rain का मतलब होता है कि वर्षा की चादरों में लिपट गए थे यानी वर्षा से भर गए थे। बट सडनली ए वाइन बिगिन टू बिलो एंड एलोंग विथ द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगिन टू फॉल, अचानक तेज हवाएं यानी तूफान चलने लगी और वर्षा के साथ साथ हेलस्टोन यानी ओलावृष्टि जिसको हम लोग बर्फबारी भी कहते हैं होने लगी। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वेंस, ये जो हेल यानी ओले जो थे वो चांदी के सिक्के या मोती की तरह लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पिरल्स, लेंचो के बच्चे खुशी से नाचते हुए जमे हुए ओले को इकट्ठा करने लगे और खाने लगे। लेकिन लेंचो की समस्या बढ़ती ही जा रही थी। इट्स रियली गेटिंग बेड नाउ,
एक्सक्लाइम्ड द मैन। उसने देखा कि वास्तव में मौसम खराब होता जा रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली। वह आशा करता है कि यह समस्या शीघ्र ही टल जाएगा, परंतु ये खराब मौसम शीघ्र नहीं टला। ओलावृष्टि नहीं रुकी, तूफान चलता रहा। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। लगभग एक घंटे तक घर, बगीचे, पहाड़ी साइड, अनाज के खेत और संपूर्ण घाटी में ओलावृष्टि होती रही। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट। पूरा खेत सफ़ेद हो गया, मानो चारों तरफ नमक से ढक गए हो, वाइट वाइट हो गया। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। पेड़ पौधे पर एक भी पत्ता नहीं रहा, सारा का सारा फसल बर्बाद हो गया। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स। पौधों से फूल फल झड़ गए। लेंचोज सोल वॉज फील्ड विथ सैडनेस। लेंचो की हर्ट यानी आत्मा दुख से भर गया, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। इन द स्ट्रोम हैड पास्ट, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड्स एंड सेड हिज सन्स। जब तूफान चला गया तो वह खेतों के बीच खड़ा होकर अपने लड़कों से, अपने बच्चों से कहने लगा कि अ प्लेग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। प्लेग ऑफ लोकट्स यानी टिड्डी दल का हमला या कीट पतंगों की हमला हमारी फसलों को कम नुकसान पहुंचाती है, यानी फसल का कुछ ना कुछ शेष छोड़ ही देते हैं, परंतु ये ओले ने तो कुछ भी शेष नहीं छोड़ा, सारा का सारा फसल नष्ट कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस वर्ष हमारे पास खाने के लिए कुछ भी अनाज नहीं रहा। दैट नाइट वॉज सोरोफुल वन। वह रात बहुत ही दुखदाई रात थी और लिंचों को रात भर नींद नहीं आया। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। वह सोचता है कि हमारा सारा मेहनत बेकार हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। हमारी सहायता करने वाली कोई नहीं है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। और इस वर्ष हम लोग भूखे रह जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वॉज ए सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड। परंतु संपूर्ण घाटी के बीच स्थित सोलिटरी हाउस, सोलिटरी हाउस का मतलब होगा एक अकेला घर में जितने भी लोग रहते थे, जैसे लेंचो, लेंचो की पत्नी, उनके बेटे, इन सभी का मन में केवल एक ही आशा थी, एक ही विश्वास थी, और वो था भगवान से सहायता। डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाई ऑफ हंगर्स। फिर लेंचो के दिमाग में यह बात आती है कि घबराने की कोई बात नहीं है और ना ही दुखी होने की ज़रूरत है। यदि यह पूरी तरह से बर्बादी ही है तो याद रहे कि भगवान किसी को भी भूख से नहीं मरने देते हैं। दैट्स वाट दे से, नो वन डाई ऑफ हंगर। इसीलिए तो कहा जाता है कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हीज होप द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस। सारी की सारी रात यानी पूरे रात भर लेंचो अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा, और वो आशा थी भगवान से सहायता के बारे में। उसे पता था कि भगवान के अंदर इतनी शक्ति होती है कि केवल वे हमारी शब्दों को ही नहीं, बल्कि वे हमारी दिल में जो कुछ भी छुपे होते हैं उसे भी देख लेते हैं, उसे भी जान लेते हैं, क्या गलत है, क्या सही है। सो यहाँ पर कॉन्शियंस का मतलब होता है अंतःकरण, यानी अंदर की बातों को जानना या अंतरात्मा की बातों को जानना, क्या गलत है, क्या सही है। सो लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स
बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। यहाँ पर ऑक्स ऑफ ए मैन प्रोवर्ब है जिसका अर्थ होता है वैसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा काम करता है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है, लाइक एज एनिमल। कहता है कि लेंचो अपने खेतों में जानवर की तरह काम करता था, वह बहुत ही मेहनती किसान था, परंतु वह थोड़ी बहुत पढ़ने लिखने भी जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। अगले रविवार को सुबह वह पत्र लिखने लगा और सोच रहा था कि वह खुद ही लेटर को लेकर शहर जाएगा और लेटर को पोस्ट करेगा यानी भेजेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। और ये जो लेटर था वो भगवान को लिखे गए लेटर से कम नहीं था। वह लिखता है, गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंगरी दिस ईयर। उसने लिखा, हे भगवान, हे ईश्वर, आप तो सब कुछ जानते हैं कि मेरा फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो इस वर्ष मेरा परिवार और मैं भूखे ही रह जाएंगे। आई नीड ए 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्ट्रॉम डॉट डॉट डॉट। मुझे अपने खेतों में पुनः बीजारोपण करने के लिए यानी फसल लगाने के लिए और अपनी पूरी फैमिली का भरण पोषण करने के लिए 100 pesos की अति आवश्यकता है, क्योंकि ओलावृष्टि, हेलस्ट्रॉम मतलब ओलावृष्टि ने मेरी सारी की सारी फसल नष्ट कर दी, डॉट 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 डॉट। यहाँ पे पेसोज का मतलब होता है करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्री, यानी अमेरिकन देशों में ये पेसोज चलते हैं। ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। उसने लिफाफे पर पता लिखा, टू गॉड, भगवान को, और उस पत्र को लिफाफे में डाला और काफ़ी परेशान होते हुए भी शहर की ओर चल दिया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इंटू द मेल बॉक्स। फिर उसने डाकघर में लेटर पर टिकट या स्टाम्प चिपकाया और उसे लेटर बॉक्स में यानी पत्र पेटी में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। एक कर्मचारी जो एक डाकिया था और पोस्ट ऑफिस में पत्र ले आने का काम करता था, उसे यह पत्र मिलता है और वह हंसते हुए इस भगवान का नाम जो पत्र है उसे अपने बॉस यानी पोस्टमास्टर के पास ले जाता है और दिखाता है और कहता है कि देखिए ना, किस पागल ने भगवान को भी पत्र लिख दिया है, भगवान को भी पत्र लिखा जाता है क्या। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। पोस्टमैन अपने लाइफ में कभी नहीं भगवान के नाम का पत्र देखा था। द पोस्टमास्टर ए फैट एमिएबल फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही रिटर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क कमेंटेड, व्हाट ए फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। पोस्टमास्टर एक मोटा तथा एमिएबल का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण या खुशमियाजी टाइप का व्यक्ति या फ्रेंडली टाइप का व्यक्ति था। वह भी इस पत्र को देखकर जोर जोर से ठहाके मार कर हंसने लगा, परंतु वह तुरंत ही सीरियस यानी गंभीर रूप से सोचा और पत्र को हल्के से डेस्क पर पटकते हुए बोला, क्या विश्वास है, व्हाट ए फेथ, क्या विश्वास है, क्या आस्था है, काश मुझे भी परमात्मा में इतनी बड़ी आस्था या विश्वास होती जितनी विश्वास इस पत्र को लिखने वाले को है। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड।
इस व्यक्ति ने तो ईश्वर से भी पत्राचार किया है। पत्राचार यानी कॉरस्पोंडेंस का मतलब होता है पत्राचार करना या पत्र के माध्यम से बात विचार करना। सो इन ऑर्डर नोट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया एंसर द लेटर। अतः भगवान पर लिंचू का जो आस्था है, विश्वास है, उस विश्वास को पोस्टमास्टर नहीं तोड़ना चाहता है। इस विश्वास को बनाए रखने के लिए उनके मन में एक विचार आया कि इस पत्र का जवाब जरूर दिया जाए, क्योंकि भगवान नाम का कोई एड्रेस तो है ही नहीं जो इस पत्र का जवाब देगा। यदि मैं इसका जवाब नहीं देता हूँ तो उस बेचारे का, किसान का विश्वास भगवान पर से उठ जाएगा। बट वेन ही ओपेंड इट, इट वॉज इविडेंट दैट टू एंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। जैसे ही पोस्टमास्टर लेटर खोलते हैं, अब उन्हें लगा था कि केवल जवाब देना है तो दे देंगे, लेकिन जब उसने पत्र को खोला तो उसे पता चला कि इस पत्र का जवाब देने के लिए गुडविल इंक पेपर के अलावा कुछ और चीज़ चाहिए, वो था मनी, पैसे। अब जाके पता चला कि भैया केवल जवाब नहीं देना है, अब उसे कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे। बट ही स्टक टू हीज रेजोल्यूशन, परंतु उसने अपने रेजोल्यूशन यानी निर्णय पर अडिग रहा, डटा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हीज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हीज वेयर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। इसके बाद उसने अपने कर्मचारियों से कुछ धन यानी पैसे मांग किए, फिर उसने स्वयं अपने वेतन का एक भाग दे दिया और दान के रूप में यानी चैरिटी यानी पुण्य काम करने के रूप में अपने दोस्तों को भी कुछ न कुछ देने के लिए अनुरोध किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टूगेदर द 100 pesos, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। सभी से धन यानी पेसोज मांगने के बाद भी 100 pesos जमा नहीं हो सका, इसलिए वह किसान को केवल आधे से कुछ अधिक राशि ही भेजना चाहा। आधा से कुछ अधिक का मतलब हुआ, यहाँ पे लिंचो ने कितने पैसों का मांग किया था, वह था 100 pesos और 100 pesos का हाफ यानी 50 हुआ, 50 से कुछ अधिक पैसों। ही पुट द मनी इन एन इनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड। फिर उसने धन यानी मनी को एक पत्र के लिफाफे में डाला और उस पर लेंचो का एड्रेस यानी पता लिख दिया और साथ ही हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द में गॉड लिखकर रख दिया। द फ्लोइंग संडे लेंचो कम ए वाइट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। अगले रविवार को और दिनों की अपेक्षा कुछ जल्दी ही लेंचो पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है और वहां पूछता है कि क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। पोस्टमास्टर अपनी खिड़की से देख रहा था कि पोस्टमैन स्वयं लेंचो को पत्र दिया। पोस्टमास्टर को ऐसा लग रहा था कि हमने कोई नेक काम किया है, कोई अच्छा काम किया है, उसे गर्व फील हो रहा था। यहाँ पर कंटेंटमेंट का अर्थ है सेटिस्फेक्शन, यानी उसे संतुष्टि हुआ कि चलो भाई कम से कम इस गरीब किसान का भलाई तो हुई। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस। पैसों को देखकर लेंचो तनिक भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ, जरा भी नहीं सोचा कि पैसे कौन भेजे हैं, कहां से आए हैं, ऐसी थी उसकी विश्वास। बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, परंतु जब उसने पैसों को गिना
तो उसे गुस्सा आ गया, क्रोधित हो उठा। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वाट ही हैड रिक्वेस्टेड। और उसने सोचा भगवान से तो गिनने में कोई गलती नहीं हो सकती और ना ही हमारी निवेदन को ठुकरा सकते हैं और ना ही इनकार कर सकते हैं और ना ही भगवान के पास धन की कमी है। इमिडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज्ड बाय द इफोर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। शीघ्र ही लेंचो कागज तथा स्याही मांगने के लिए खिड़की पर गया और उसने सार्वजनिक लिखने वाली मेज यानी पब्लिक राइटिंग टेबल पर गुस्से से पत्र को लिखना प्रारंभ किया। When he finished, he went to the window to the buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. जब पत्र लिखना समाप्त हुआ तो वह टिकट खरीदने के लिए खिड़की के पास गया, उसने टिकट ली और उसने थूक लगाया यानी उसे चाटा और उसे फिस्ट यानी मुक्के से मारकर लिफाफे पर चिपकाया और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं, द मोमेंट द लेटर बॉक्स फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही लेटर पत्र पेटी में गिरा, पोस्टमास्टर तुरंत उस लेटर को खोलने के लिए जाता है। पहले तो उसे लगा कि जिसे हमने मदद किया है वो जरूर उसे थैंक यू लिखा होगा। इट सैड गुड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी। लेकिन उसमें लिखा था भगवान जितनी राशि मैंने मांग की थी उसमें से केवल 70 पैसोज ही मेरे पास पहुंची है। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। मुझे शेष राशि भेजिए क्योंकि मुझे इसकी बहुत ही आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयर्स आर बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। परंतु इसे मेल यानी डाक द्वारा ना भेजना क्योंकि डाक के सभी कर्मचारी बंच ऑफ क्रूक्स हैं यानी बेमानों के समूह हैं यानी चोर हैं, ये हमारे पैसे चुरा लिए हैं। लेंचो यानी आपका विश्वासी लेंचो। इस कहानी में हमें लेंचो की दृढ़ विश्वास के बारे में पता चलता है, लेकिन कभी कभी लेंचो मूर्ख की तरह एक्ट करता है। जिन लोगों ने उसे मदद की उन्हीं को वो बेईमान चोर कहता है। सो आई होप ये जो लेसन है वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।